आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मैन्युफैक्चरर्स उसकी रिग्रस टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जनरली हमने देखा है जो टेस्टिंग होती है वो लैब वगैरह में की जाती है। लेकिन आज हमारे साथ है एम्पेयर का रिसेंटली लॉन्च नेक्सस, जिसको इन्होंने K2K यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राइड करके इसकी टेस्टिंग करी है, उसके बाद आज ये फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। तो जी हाँ, आज ये जो नेक्सस है टोटल दो वेरियंट्स में लॉन्च किया गया है, EX एंड ST। आज हमारे साथ इसका टॉप ऑफ द लाइन ST मॉडल, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,29,000 रुपीज़, एंड अगर आप इससे लोअर वेरियंट लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस 10,000 रुपीज़ इससे कम मिलेगा, यानी कि उसका प्राइस रहेगा 1,19,000 रुपीज़। तो चलिए क्विकली चेकआउट करते हैं क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आपको एम्पेयर के इस नेक्सस में। टोटल चार कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टील ग्रे, जांस्कार एक्वा, इंडियन रेड एंड पोलर व्हाइट। आज हमारे साथ है इसका व्हाइट कलर। अब बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहले आप कंप्लीट डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिशिंग दी गई है एम्पेयर का, यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे एम्पेयर ने क्लेम किया है कि यहाँ पर आपको ब्राइटेस्ट LED सेटअप मिलने वाला है। तो जैसे ही आप इसका इग्निशन ऑन करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक्स शेप की आपको DRS मिल जाएंगी, प्लस LED आपको हेडलैम्प्स मिलने वाली हैं। यहाँ पर एम्पेयर की 3D बैजिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। लाइट्स मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये आप देख सकते हैं हेडलैम्प सेटअप। बाकी फ्रंट पैनल काफ़ी अच्छा दिया गया, यहाँ पे आपको कोई किसी भी तरीके की पैनल गैपिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, हैजर्ड लाइट का भी आपको फीचर मिल जाता है। और बात कर लेते हैं व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 12 इंचेस के व्हील्स मिल जाएंगे। या व्हील प्रोफाइल भी देख सकते हैं, 80x90 12 प्रोफाइल के आपको व्हील्स मिल जाएंगे, जहाँ पर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड रियर में ड्रम टाइप ब्रेक्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ये वेंट्स मिल जाएंगे जो कि इसके बैटरी कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, एयर फ्लो होगी एंड आपकी बैटरी को कूल करेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप कुछ लगेज वगैरह कैरी करना चाहते हैं अपने इस फ्रंट स्पेस में, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स, हालांकि ये डिज़ाइन एलिमेंट इस तरीके के दिए गए हैं कि यहाँ पर आपको ये एयर वेंट्स लगेंगे, लेकिन ये एयर वेंट्स नहीं है, क्लोज्ड आपको ये ग्रिल मिलने वाली है। एंड बात करें सीट के बारे में, सबसे पहले मैं बैठ के दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके की यहाँ पर आपको सीटिंग मिलने वाली है। टोटल 765 mm की आपको सीट हाइट मिलने वाली है एंड 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात कर लेते हैं अंडर सीट स्टोरेज के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाती है बैटरी। तो बैटरी के बारे में मैं आपको बता दूँ, 3.3 आवर्स लगते हैं इसको चार्ज करने में, एंड अगर आप इसको अपने साथ कैरी करके भी ट्रैवल करते हैं तब भी आपको इनफ स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ पर लगभग आप XL साइज़ का अपना हेलमेट है वो भी आसानी से रख के ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा रेयर पिलियन पैसेंजर्स के लिए, एंड ये लाइट वेट एल्युमिनियम का यूज़ किया गया है यहाँ पे। बात करें रेयर प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहले आप कंप्लीट डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक ये आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिशिंग में नेक्सस ST की आपको बैजिंग मिल जाएगी। तो ये टॉप ऑफ द लाइन ST मॉडल है, तो उसकी आपको बैजिंग मिल जाएगी। बात करें टेल लैंप असेंबली के बारे में, तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश एंड ब्राइटेस्ट आपको LED टेल लाइट्स मिलने वाली हैं, एंड इसी असेंबली में आपको ये टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, बेसिकली ये वेंट्स हैं जो आपने देखा था फ्रंट में, जो एयर अंदर एंटर होगी वो यहाँ से ही एग्जिट हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं LED आपको लाइट्स मिलने वाली है नंबर प्लेट गार्निशिंग वगैरह के लिए, ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। रेयर व्हील में मैंने आपको बता दिया, ड्रम टाइप के आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, एंड ये आप देख सकते हैं सस्पेंशन सेटअप। बात करें राइडर कंसोल के बारे में, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है 7 इंच का TFT टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो बेसिकली ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है जहाँ पर आपको 7 इंच का क्लस्टर मिलेगा। बाकी अगर आप इससे लोअर वाला मॉडल लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाता है 6.2 इंच का क्लस्टर। तो ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली इसका होम इंटरफेस है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं 96% अभी चार्ज है, एंड यहाँ पे रेंज मिल जाती है आपको 100 किलोमीटर्स की, एंड कंपनी क्लेम करती है 100% में 136 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी। डिजिटल आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आप टैकोमीटर मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसकी वजह से आपको म्यूज़िक की कंट्रोल्स हो गए या फिर फ़ोन वगैरह के कंट्रोल्स हो गए, उसी के साथ नेविगेशन वगैरह के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं इको मोड है, इसके अलावा यहाँ पर आपको सिटी मोड मिल जाएगा, एंड ये परफॉर्मेंस मोड मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एक ये रिवर्स मोड भी मिल जाता है, जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर आपको R मोड मिल जाता है। बात करें इन कंसोल के बटन के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर का बटन मिलेगा, हैजार्ड लाइट के लिए आपको बटन मिलता है, हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, ये होम का बटन मिलता है, इस तरीके का आपको हॉर्न मिलेगा, एंड ये R मतलब रिवर्स का यहाँ पर आपको बटन मिलता है। एंड राइट हैंड साइड पैनल के बारे में बात करें, तो अगेन यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, MID को कंट्रोल करने के लिए बटन, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन, एंड मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये आपको की मिल जाती है इस स्कूटर की, इसी से आप इसको इग्निशन को ऑन कर सकते हैं एंड इसी से आप सीट को ओपन कर सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर आपको चार्जिंग का प्रोविज़न मिल जाएगा। अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये पैनल मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूटिलिटी हुक मिल जाता है, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस एम्पेयर के नेक्सस में। तो कैसा लगा आपको एम्पेयर का ये नेक्सस, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फॉलो करना ना भूलें।